कि हम लोग अगर हमारे रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनके लिए दवाइयाँ ढूंढना है, हॉस्पिटल ढूंढना है, ऑक्सीजन ढूंढना है या रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढने हैं, तो ये आसानी से आप ढूंढ सको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव, योर विशेज, जिसकी वजह से मैं कोविड पॉजिटिव से कोविड निगेटिव हो चुका हूँ दोस्तों। और इसीलिए आप सबके लिए मेरी तरफ से एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस वीडियो के थ्रू आप अपने कोविड पॉजिटिव फ्रेंड्स रिलेटिव्स की हेल्प कर सको और उनके लिए ऑक्सीजन बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयाँ, डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी ढूंढ सको। दोस्तों अब ये ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो आप लोग प्रेशर में आ जाते हो कि कहाँ से ढूंढे। दोस्तों इसीलिए मैं एक ऐसे अकाउंट के बारे में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ट्विटर, जिसको यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। अब ये ट्विटर अकाउंट यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर में करोड़ों ट्वीट्स पर डे आते रहते हैं और उन करोड़ों ट्वीट में से आपको ढूंढना है आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब सपोज आप एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में हो या किसी छोटे से टाउन में हो, और उन टाउन के आसपास के लोकेशन में जितने हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, वो ढूंढना है और वो ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ट्विटर अकाउंट को यूज़ करके आप इन दवाइयों को या फिर इन ऑक्सीजन को ढूंढ सको और अपने फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की हेल्प कर सको। तो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली दोस्तों। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले ट्विटर अकाउंट के साथ आप अपने फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की जो कोविड पॉजिटिव है उनकी हेल्प कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग ट्विटर के ऊपर में आ जाएं और यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च ट्विटर, यहाँ पे जाए तो जैसे मैंने ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल ये कीवर्ड मुझे सर्च करना है, या फिर ऑक्सीजन बेड्स मतलब ऐसे बेड्स जहाँ पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है मुझे अपने एरिया में। सो मैं ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल ये कीवर्ड में सर्च कर लेता हूँ और अब मुझे दिखाई दे रहा है एक एडवांस सर्च, ये ऑप्शन या फिर ये फीचर रिसेंटली लॉन्च किया है ट्विटर ने, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो जिस तरह से आपको कोविड पैंडेमिक में आपको हेल्प चाहिए ट्विटर की, वो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पीपल फ्रॉम एनीवन और लोकेशन एनीवेयर या फिर आप नियर यू कर सकते हो। जैसे मैं नियर यू करूँगा, मेरा लोकेशन ट्विटर कैप्चर करके मुझे दिखाएगा इस कीवर्ड ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल कीवर्ड के साथ में, आप मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ पर हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। जैसे मैं दिल्ली का दिखा रहा है यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट, लेकिन मुझे मुंबई का देखना है दोस्तों, तो मुंबई को देखने के लिए मुझे यहाँ पर एडवांस सर्च में जाना होगा। सो दोस्तों एडवांस सर्च में आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सबसे पहले वर्ड्स लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स, तो यहाँ पर हम लोगों को हमारे वर्ड्स जो है वो यहाँ पर डालने हैं। जैसे ऑक्सीजन बेड्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब एग्जैक्ट फ्रेज इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, एनी ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ पर आप अपने लोकेशन से रिलेटेड, जैसे मैं मुंबई में ढूंढ रहा हूँ तो मुंबई डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में नन ऑफ दिस वर्ड्स ये भी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, हैशटैग हम लोग ज़रूर यूज़ करेंगे और हैशटैग हम लोग ऑक्सीजन बेड्स यही हैशटैग यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई भी इस टेरिटरी में, मुंबई टेरिटरी में ऑक्सीजन बेड्स ये हैशटैग यूज़ करके ट्वीट कर रहा होगा तो मुझे दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों लैंग्वेजेस, एनी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर हिंदी या इंग्लिश आप, या फिर अपने स्टेट वाइज जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं एनी लैंग्वेज रख देता हूँ। उसके बाद में है अकाउंट्स, फ्रॉम दिस अकाउंट्स, उसके बाद टू दिस अकाउंट्स, ये सब छोड़ देते हैं दोस्तों, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एंगेजमेंट के ऊपर में, मिनिमम रिप्लाइज, यहाँ पर हम लोग मिनिमम 10 रिप्लाइज होने चाहिए ऐसा, या फिर 20 रिप्लाइज आप यहाँ पर डाल सकते हो काउंट, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा, मिनिमम लाइक्स भी नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर, और मिनिमम रीट्वीट्स ये भी नहीं डालूंगा कि उस ट्वीट को कितने लोगों ने रीट्वीट्स किया, 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, तो ही मुझे वो दिखना चाहिए, ऐसे कोई ऑप्शंस मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, आप चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं डेट्स के ऊपर में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर ऑक्सीजन बेड चाहिए तो वो आपको आज के लिए चाहिए, तो आप जो मंथ जो है वो मई सिलेक्ट करोगे और डेट हम लोग कल से या फिर परसों से, 2 दिन से हम लोग बेड्स जो अवेलेबिलिटी है वो चेक करते हैं, जैसे 3 तारीख मैंने ले ली है और 2021,
उसके बाद में फिर से एक बार हम लोग मई, और यहाँ पर हम लोग आज की डेट है 5th ऑफ मई और ईयर 21। तो इस तरह से हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम लोग सर्च में जाते हैं। दोस्तों अब सर्च में जाने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ ट्वीट दिख रहे हैं जो ऑक्सीजन बेड्स, ये हैशटैग लगा हुआ है, मुंबई अवेलेबल है यहाँ पर, और मंगला हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई में ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर 3 बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स, 5 आइसोलेशन बेड और 2 ICU बेड्स की अवेलेबल है, शेयरिंग एज रिसीव। तो दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल करके बेड्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। दूसरा एक ट्वीट है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक अगेन एल्यूमिनियम सिलेंडर से रिलेटेड ट्वीट है। दोस्तों यहाँ पर भी हैशटैग ऑक्सीजन बेड्स यूज़ किया हुआ है। अगर आपको सिलेंडर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आपकी एक्टिविटी थोड़ी इजी हो जाएगी आपके सिलेंडर सर्च करने में। उसके बाद में फिर ये एक हॉस्पिटल और दिखा है, कृष्णा नर्सिंग होम पनवेल में है दोस्तों, ये नवी मुंबई में है, और यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पर एक साई सिद्धि हॉस्पिटल मुलुंड में का भी दिया हुआ है। आई थिंक पायल पराशर, ये जो कोविड वैरियर है, ये काफ़ी ट्वीट कर रही है मुंबई में, और इनको हम लोग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनको हम लोग अगर ट्वीट करना है तो हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर और उनको ट्वीट करके पूछ सकते हैं हम लोग के और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास में है तो वो कैसे कॉलम देख सकते हो व्हाट्सएप नहीं, जहाँ पर आप कोविड से रिलेटेड 2 पोस्ट दिख रही है, लाइव पोस्ट रही है और ये वायरल पोस्ट है, जिनको पढ़कर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो या फिर अपडेटेड रह सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हैशटैग ऑक्सीजन बेड्स। अब ये हैशटैग के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी पोस्ट दिखेगी, जैसे जहाँ पर ऑक्सीजन बेड ये हैशटैग यूज़ किया गया है, और लेकिन अब ये पोस्ट रिलेटेड है डिफरेंट सिटीज़ से रिलेटेड, जैसे गुंटूर के लिए हैं, ये आंध्र प्रदेश के लिए हैं, हैदराबाद के लिए हैं। तो दोस्तों ये लेटेस्ट वाली पोस्ट हैं जो हैदराबाद, वारंगल, इस तरह से आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे और एक हैशटैग यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ मुंबई। और अब हम लोग चेक करते हैं फिर से एक बार, सो ऑक्सीजन बेड्स मुंबई में अवेलेबिलिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर और भी मुझे पता चल रहा है अभी कि बहुत सारे हैशटैग में लिखा हुआ है ऑक्सीजन बेड्स और मुंबई के बारे में, जहाँ पर मैं अपने बेड्स या फिर सिलेंडर्स या फिर जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है कोविड में, उनसे रिलेटेड हैशटैग यूज़ करके मैं चेक कर सकता हूँ दोस्तों बहुत ही आसानी से। देखते हैं कुछ हैशटैग्स को, और उन हैशटैग को यूज़ करके, मल्टीपल हैशटैग्स को हम लोग हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग ने ऑक्सीजन बेड ये हैशटैग यूज़ किया, इसके अलावा SOS मुंबई, कोविड रिसोर्सेज, कोविड इमरजेंसी, कोविड हेल्प, ये भी हैशटैग उतने ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो आप बजाय इसके कि आप यहाँ पर जाकर हैशटैग लिखो, आप ये भी कर सकते हो कि आपके जो मेन 2 हैशटैग्स आपने यूज़ कर लिए, अब उससे रिलेटेड बहुत सारे हैशटैग्स आपको यहाँ मिलेंगे। कोविड हेल्प, कोविड इमरजेंसी अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे कोविड इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट्स मुझे दिखाई देना शुरू हो गए यहाँ पर, और मैं देख सकता हूँ, और मैं अपने लोगों की हेल्प करने के लिए इनमें से जो भी ट्वीट मुझे सूटेबल लगता है उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा कोविड रिसोर्सेस या फिर ऑक्सीजन, ये अगर हैशटैग यूज़ करता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन हैशटैग से रिलेटेड पोस्ट दिखाई देंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप कोविड में जो हैशटैग्स इंपॉर्टेंट हैं उन हैशटैग्स को ढूंढ सकते हो। ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन इमरजेंसी, ये भी हैशटैग दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप इन हैशटैग को क्लिक करोगे आपको उनसे रिलेटेड पोस्ट दिखाई देगी। ये बहुत ईजीएस्ट तरीका है। हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे हैशटैग जो ट्रेंडिंग हैं, और उन ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज़ करके हम लोग हमारी परेशानियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सप्लोर हैशटैग एक्सप्लोर का टैब दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ ट्रेंडिंग वाले जो मुझसे रिलेटेड जो है वो हैशटैग्स यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर यू, मतलब जो मुझे ट्विटर ने सजेस्ट किया है कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, जैसे मैं अभी कोविड से रिलेटेड सर्चेस है तो COVID-19 वैक्सीनेशन फॉर 18-45 एज ग्रुप, ये न्यूज़ मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग वाले। तो ट्रेंडिंग में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मिक्स रहेंगे, जैसे बॉलीवुड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोविड से रिलेटेड भी होंगे, ये जो हैशटैग है वो आज इस वक्त जो ट्रेंडिंग पे है वो हैशटैग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इनमें से हम लोग ढूंढ सकते हैं जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हैं, उन हैशटैग को यूज़ करके हम लोग हमारी परेशानियाँ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं
और साथ में हमारी परेशानियां कम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, COVID-19 ये एक टैब, ये एक हैशटैग ट्विटर ने खुद बना के रखा हुआ है, जहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो कोविड से रिलेटेड न्यूज़, जहां पर आप कोविड के SOS से रूल्स रेगुलेशंस, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, या फिर हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इस तरह के बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, जिनको पढ़ के आप अपडेटेड रह सकते हो। सो बाकी न्यूज़ जो है या स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, लेकिन COVID-19 ये टैब में आपको सिर्फ और सिर्फ कोविड से रिलेटेड न्यूज़ दिखाई देगी, जिसको यूज़ करके आप अपने लोगों की हेल्प 100% कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस वाले टैब्स होते हैं, जहाँ पर ट्विटर खुद आपको सजेस्ट करता है कि ये ट्वीट्स पढ़ो या फिर यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, सोनू सूद का ट्वीट आया हुआ है यहाँ पर। तो सोनू सूद जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बंगाल हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि ट्विटर इस सोशल मीडिया अकाउंट को यूज़ कर आप ऑक्सीजन या फिर बेड्स या फिर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ सको। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि मैं और सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि किस तरह से ट्विटर अकाउंट को यूज़ करें और कोविड पेशेंट्स को हम लोग सपोर्ट करें, हेल्प करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन, सी यू, बाय बाय।